नमस्कार साथियों, 26 नवंबर का दिन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसी दिन सन 1949 को भारतीय संविधान सभा ने भारत के संविधान को राष्ट्र को समर्पित किया था। और यही कारण भी है कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। संविधान सभा की जो पहली मीटिंग होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को, और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना जाता है। इसके बाद दूसरी मीटिंग संविधान सभा की होती है 11 दिसंबर 1946 को, और इस दिन स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है, जो कि बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। और इसी समय डॉक्टर बी एन राव जी को संवैधानिक सलाहकार के रूप में भी चुना जाता है। और संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया जाता है, और उन्हीं समितियों में से जो सबसे प्रमुख समिति थी वो थी प्ररूप समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अंतिम प्ररूप 4 नवंबर 1949 को प्रस्तुत किया, और ये पहला मौका भी था जब पहली बार भारतीय संविधान को पढ़ा गया था। और फाइनली 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत के बाद संविधान सभा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को राष्ट्र को समर्पित कर देती है। और आपको बता दूं, इस संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख का खर्चा आया था, और संविधान निर्माण के लिए लगभग 60 से अधिक देशों के महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया था।